4-5 months, I have auditioned at least for like 40-45, you know, different projects. और फिर जाके मुझे फैन मिली. Big part to Puneet Krishna, who is the writer of the series. Yes. He is the real king of Mirzapur. बस मुझे बड़ी फिल्में करनी और कुछ नहीं, वो मेरा attitude नहीं है. Favoritism, groupism, nepotism, they exist in every industry. Gurmeet Singh, who is the director, and Puneet, who is the writer. Absolutely not in only so talented to work with and outsiders, but also lovely human being. हम दोनों मिर्जापुर में थे तो वो हिट हो गई. हम दोनों गॉन गेम में थे तो वो हिट हो गई. हिट जोड़ी हमने प्रूव कर दिया है. श्रद्धा की है, आलिया की, लुक एट कोंकणा, मतलब ये सभी तो इनकी जो जर्नी है, आप मुझे अगर ऑप्शन दोगे ना टू बी बोर्न एज मी और टू बी बोर्न एज समबडी एल्स विद अ लोडेड सरनेम व्हाटएवर, मुझे अपनी लाइफ ही चाहिए. सो श्रेया पिलगांवकर, क्या आपको वायरफ और शाहरुख खान फैन में इस वजह से साइन करेंगे बिकॉज आप सचिन पिलगांवकर की बेटी हैं? मैंने जो लोग, पता है, लोग आपको जो चीजें मिली है ना वो देखते हैं, जो चीजें नहीं मिली वो नहीं देखते. मैंने मेरे हर प्रोजेक्ट के लिए फरीदून ऑडिशंस किए हैं एंड इन फैक्ट फैन से पहले, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 4-5 months आई हैव ऑडिशंड एटलीस्ट फॉर लाइक 40-45 यू नो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. और फिर जाके मुझे फैन मिली एंड उसके बाद मेरे पास कोई ब्लॉकबस्टर्स नहीं आए, मुझे रुकना पड़ा. ऑडिशन दे देकर मिर्जापुर आया. सो आई एम सेइंग कि ऑडियंस जानती है कौन क्या डिजर्व करता है एंड द ऑडियंस इज अ बिग पार्ट ऑफ योर सक्सेस. आई एम नॉट एन ए लिस्ट एक्टर टुडे, बट इफ टुडे पीपल डोंट यूजुअली कम एंड थ्रो द नेपोटिज्म कार्ड ऑन मी बिकॉज दे हैव सीन माय जर्नी. They've seen the projects I've done. They've seen it step by step. They've seen that I've not come from an entitled space where बस मुझे बड़ी फिल्में करनी और कुछ नहीं, वो मेरा attitude नहीं है. तो I feel कि audience समझती है. और ये मैं भी कहना चाहूंगी कि even if there are you know young actors who might have got an opportunity because of their lineage, that does not guarantee that you're going to constantly be getting work. That does not. And even if today people don't want to hear this, that is the truth. Favoritism, groupism, nepotism, they exist in every industry. But nobody wants to have a conversation about this, Faridun. People just want to attack each other with their point of view. Nobody wants to listen to each other about it. And hum iske baare mein kitna bhi baat kare, eventually, for example, Masaan dekhne kitne log gaye the? अब बताइए मुझे, थिएटर में मसान देखने कितने लोग गए थे एज अपोज टू अ बिग फिल्म विद अ बिग लॉन्च पैड. सो वी एज व्यूअर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी एज एक्टर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीवन, आई मीन एवरीवन्स कमिंग इन विद देयर ओन जर्नीज. या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ sitting and if an actor's son wants to become an actor, there's nothing wrong with it, but it is his responsibility to work on himself, to not take it for granted, to have that attitude. Now if you have a good attitude, then great. If not, then there are enough examples of actors who are not currently working even though they've come from film families. No, absolutely, there are many examples. मेरा सवाल आपसे ये था, द अमाउंट ऑफ बजट जो एक फिल्म, फॉर एग्जांपल फैन का एक जो बजट होगा या उसका जो एक एक्सपेंस था, वीएफएक्स शॉट इन यूरोप एंड ऑल दैट स्टफ, यू आर प्लेइंग अ पिवोटल कैरेक्टर इन दैट. माय क्वेश्चन वाज कि दैट क्या आपको इस वजह से कोई सिर्फ साइन कर लेगा कि सचिन पिलगांवकर की आप बेटी हैं? बिल्कुल नहीं. इतना पैसा इन्वॉल्वड है, बिल्कुल नहीं. क्या आपको इस वजह से साइन किया जाएगा? बिल्कुल नहीं. प्रोड्यूसर से ज्यादा कौन केयर करेगा इसके बारे में, यू नो, इन टर्म्स ऑफ की व्हाई वुड दे वांट टू, दे जो भी है, यू नो, इन अ क्रिएटिव इंडस्ट्री, बिकॉज आई मीन वी आर सेइंग इट्स क्रिएटिव एंड एवरीबॉडी हैज दैट फ्रीडम एंड विल टू कास्ट हूएवर दे वांट टू. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स दैट वी डू सी, इवन व्हेन सर्टेन स्टार किड्स आर लॉन्च्ड, फॉर 2 years बिफोर दे आर लॉन्च्ड दे वर्क ऑन देयर पीआर एंड दे आर ऑलरेडी स्टार्स बिफोर देयर फर्स्ट फिल्म कम्स आउट, राइट?
So irrespective of whether the first film releases or not, they've already become stars and they're getting work. Now it's up to them. If they, some people really use it well, and we've seen examples of good actors who we like, who come, who've had that journey, and some who haven't. And in my case, I mean, it's absolutely not happened. I mean, agar aise hota, to mujhe aisi bhi film shayad milti na, jahan pe mera bada aur part hota. Teen contracts hote, aise to kuch tha nahi, ek film kar liye maine. Okay, I think we can go on and on this discussion. But anyway, okay, so you spoke about Mirzapur. So now Mirzapur 2 is coming, and I think the memes are enormous, and I'm sure that हर ट्वीट या हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपके सिर्फ लोग मिर्जापुर के बारे में बात करते होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू थिंक इट इज सो पॉपुलर? इट्स क्रेजी, यू नो. आई, या, द क्रेडिट तो गोज, आई थिंक, अ बिग 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 पार्ट टू पुनीत कृष्णा, हु इज द राइटर ऑफ द सीरीज. ही इज द रियल किंग ऑफ मिर्जापुर. क्योंकि हम लोग को श्रेया और हम लोग के बहुत डिस्कशन होते थे, शूट चालू भी हुआ था, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. अली विक्रांत ने, हम लोग खूब मीटिंग्स होती थी. And that time also we had no idea ki kya ban raha hai. In fact, I just shared a Shreya ke saath, wo in the end ka ek fan ne edit kiya hai Mirzapur ke sare scenes. And when you see that, you realize ki yaar ye kya bana diya hai. To hum to bahut chote parts hain. Ye us pure, you know, machinery ke, but main wo, you should speak to him, Faridun, really. He's such a brilliant man. Gurmeet Singh, who's the director, and Puneet ji, who's the writer. They are absolutely not in only so talented to work with and outsiders, but also lovely human beings. In fact, this interview ke baad, I'm going for a dub for Mirzapur only. And I can't, like, I think that's where the fondness of, like, Sweetie Golu will always be so special for both of us. And kitni baar interview mein main bolti hu, Sweetie, I'm like, arey, Sweetie nahi. Suhani from the Gone Game ya phir Shreya. But bhai, ki, no matter kaun रहेगा, कौन जिंदा रहेगा, but these characters will always be very 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 special to us. No, Ali Fazal has done Hollywood films, and but the sort of popularity he has because of Mirzapur, yeah, must be okay. What about you, Shreya? No, I don't think we saw it coming. I don't think we saw this kind of love, because it's cult following. You know, the show has a cult following, I would say, and luckily, what I love is that every character has got that love. It's not just Ali and Vikrant. Every character, even if that character is there for one scene, you know, he or she has been appreciated. And like Shweta said, the credit goes to our writing team, Puneet ji, our directors. And it definitely changed the momentum of all our careers, if I may say so. Because suddenly you were known by a character. और एक actor के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक character से पहचाना जाए. तो अभी हमारा challenge ऐसा है कि आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, जो, चलो, स्वीटी गुप्ता, गोलू गुप्ता है, तो और हम क्या दे सकते हैं जो एक memorable character हमेशा, you know, रहे. और श्वेता और मैंने एक नोटिस किया है कि हम दोनों मिर्जापुर में थे तो वो हिट हो गई, हम दोनों गॉन गेम में थे तो वो हिट हो गई, तो अभी बनता है. श्वेता एंड आई सीम टू बी अ पेयर, हिट जोड़ी, हमने प्रूफ कर दिया है. एक अभी नेक्स्ट आपका कौन सा, इनसाइडर आउटसाइडर? पर हाँ, दोनों ही दोनों. लोग, people will hate me the minute you say no. But also I would like to believe that I am an insider now. Like, अगर मतलब जो भी है कि, and कल को if somebody would want my help, I will go and help that person. मुझे तो ये भी लगता है, in fact what Shreya said earlier in the interview, कि हमें journey नहीं पता है अब. मतलब जो श्रद्धा की है, आलिया की, look at Konkana, मतलब ये सभी, तो इनकी जो journey है, आप मुझे अगर option दोगे ना, to be born as me or to be born as somebody else with a loaded surname, whatever, मुझे अपनी life ही चाहिए. मैं अपनी struggles जो मैंने की है, I would be at it, because it depends what your priority is. So मुझे मतलब I got it. So Shweta Tripathi and Shreya Pulgaonkar, lovely talking to you guys. Thank you. Same. For your time. Thank you so much. Please watch the Gone Game. I will for sure. And we have to say, what a fabulous set of questions. I was totally entertained throughout. Had some amazing. We really enjoyed it. Thank you. Thank you very much. And all the best to you. Thank you so much. Thank you. Thank you.